सो हैलो गाइज, वेलकम बैक टू रूडी ब्लॉग्स। तो गाइज़, आज मैंने एक ट्राईपॉड लिया है, उलन जी का MT11। आप देख सकते हो किस टाइप का यह ट्राईपॉड है। इसमें आप मोबाइल भी माउंट कर सकते हो, कैमरा भी माउंट कर सकते हो, और एक्शन कैमरा मतलब जो भी गोप्रो वगैरह होते हैं वो भी आप इसमें माउंट कर सकते हो। बहुत ही शानदार ये ट्राईपॉड है, आपको खोल के दिखाता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग गाइज। और ये मैं वियतनाम में लिया, मैंने चाइना से मंगाया था गाइज। ये एक इसके साथ ये ट्राईपॉड मिलता है, अभी दिखाता हूँ और क्या क्या उसके साथ कुछ मिलता है। तो गाइज़ ये इसके साथ कुछ कार्ड वगैरह मिलते हैं जो कि उलन जी ब्रांड के हैं, इसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ है सारा। और एक और कार्ड इसके अंदर कुछ मिला है, ये देखो कुछ कार्ड मिलते हैं उलन जी का। और गाइज़ ये फाइनली ये ट्राईपॉड लिया मैंने MT11। बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत शानदार प्रीमियम क्वालिटी का ये ट्राईपॉड है। आप देख सकते हो इसकी ब्रांडिंग यहाँ पर हो रखी है, उलन जी MT11। और बहुत रिजिड है, बहुत टफ है ये गाइज़। और जो इसकी ये लेग्स हैं ये रबड़ की है, इसके अंदर एल्यूमिनियम की बार है, तो बहुत ही सॉलिड है। और आप इसको मोड़ भी सकते हो किसी भी तरह से, आप इसे मोड़ के अपने कहीं पे रखना चाहो तो आप रख सकते हो। आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो टेबल के ऊपर, जहाँ भी आप जा रहे हो वैसे सेट कर सकते हो अच्छे से। मल्टी फंक्शनल ट्राईपॉड है गाइज ये। आप इसको गोरिल्ला पॉड भी बोल सकते हो, अपने हाथ में पहन लिया या फिर आप ट्री को या आपके पास में पेड़ पूड़ जहाँ पर आपको लगाना हो इसको आराम से लॉक कर दिया, और उसके बाद कैमरा माउंट किया और अपने आप को शूट किया, है ना। तो गाइज़ अभी मैं इसमें अपना मोबाइल माउंट करके आपको बताऊंगा किस टाइप से इस पर माउंट करना है। सबसे पहले तो इसको जो नीचे वाला है इसको आराम से खींचना है अपनी तरफ ऐसे, और फिर इसको ऊपर उठा देना है। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हो, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मोबाइल रखा इसमें, और ये सामने मोबाइल से भी आप शूट कर सकते हो, है ना, ब्लॉगिंग बना सकते हो मोबाइल से। और बहुत अच्छा है ये, देखो मोबाइल भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो, कैमरा भी इसमें यूज़ कर सकते हो। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा प्रेस किया, मोबाइल निकाला, उसके बाद इसको नीचे लेटाया और आराम से इसको इसमें साथ में लॉक कर दिया। तो ये गाइज ये लॉक हो गया। अब आप इसके ऊपर कैमरा भी माउंट कर सकते हो, अभी आपको दिखाता हूँ कैमरा माउंट करके। तो गाइज ये गोप्रो है, अभी मैं इस गोप्रो को आपको इस ट्राईपॉड माउंट के अंदर अटैच करके दिखाऊंगा गाइज आपको। ये नीचे इसका एक गोल गोल रोलर है, आपको इस रोलर को घुमाना है। इस रोलर को घुमाया और ये आपका कैमरा तैयार हो गया पूरे ट्राईपॉड में। आप जैसे मर्जी से अपना फोटो शूट कर सकते हो गाइज। ये देख सकते हो कितना प्यारा से इसमें अटैच हुआ है, आप इसको आराम से 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो नीचे से ऊपर तक। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है इसमें, आप गोप्रो भी माउंट कर सकते हो, अपना मोबाइल भी माउंट कर सकते हो, और कैमरा DSLR भी माउंट कर सकते हो। इसकी जो कैपेसिटी है वो ये 2 kg तक का लोड ईजीली अपने ऊपर होल्ड कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर वो लोड पड़ेगा तो इसका थोड़ा सा बेंड होने के चांसेस ज़्यादा है, पर 2 kg में DSLR सारे आ जाते हैं गाइज। तो गाइज़ ये इसका कुछ रिव्यू था, बहुत बेस्ट मुझे ट्राईपॉड लगा गाइज। अगर आपको भी व्लॉगिंग वगैरह कुछ करनी है तो आप ये वाला उलन जी का MT11 यूज़ कर सकते हो, बहुत परफेक्ट ये ट्राईपॉड है गाइज। जितना मुझे ये लगा इसके लेग्स भी बहुत स्ट्रांग है, आप देख सकते हो लेग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बॉल है, आप इसको ये जो साइड में आप बटन देख रहे हो इसको घुमाया घुमाया घुमाया, ये देखो बॉल फ्री हो गई। आपको जो एंगल चाहिए होगा उस एंगल पर आपने इसको सेट करके इसको गोल घुमा देना है आराम से। ये देखो फिर सेट हो गया टेढ़े मेढ़े एंगल, जो भी आपको एंगल चाहिए होगा। तो गाइज आप इस ट्राईपॉड के लिए जा सकते हो उलन जी में, उलन जी ब्रांड का है ये, और आपको अमेजोन में मिल सकता है ये। और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1500 से 2000 के बीच बीच आपको ये मिल जाएगा इजीली। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अभी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा। लव यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू गाइज, बाय बाय।